ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम त्रिगुणरहितम तस्यमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षीहूतम भावातीतम गगनसदृशम सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवम। आज गीता के सातवें अध्याय का 24वां सूत्र ले रहे हैं। भगवान अपने गुण और प्रभाव और स्वरूप को न जानने के हेतु बता रहे हैं लोगों को कि उसके कारण क्या होता है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते मन बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममाव्ययानुत्तमम्। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्त मम अव्यम अनुत्तमम्। ऐसा होने पर भी जो सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते उसका कारण क्या है, ये सुनिए। अबुद्धया यानी बुद्धिहीन पुरुष, मम यानी मेरे, अनुत्तम यानी सर्वोत्तम, अव्ययम यानी अविनाशी, परम यानी सर्वोच्च, भावम यानी होने को अजानंता नहीं जानते हैं। अव्यक्तम मन बुद्धि इंद्रियों से परे जो मेरा स्वरूप है वह माम यानी मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को व्यक्तिम यानी व्यक्ति भाव से आपन्नम यानी प्राप्त हुआ मन्यते यानी मानते हैं। हे अर्जुन, जो बुद्धिहीन पुरुष होते हैं वो मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन बुद्धि चित्त से परे सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार और अधिष्ठान धारण करता कृपा के सागर करुणा वर्णालय भगवान अपने विषय में अर्जुन को समझा रहे हैं। ये अपने विषय में भी नहीं बल्कि ये बात भगवान समझा रहे हैं उन ज्ञानियों के लिए भी जो सद्गुरु के रूप में भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन ऐसा क्यों होता है कि मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। उनको मालूम है रोज मर रहे हैं, रोज खप रहे हैं, उनको पता है उनके आसपास के लोगों की रोज डेड बॉडियां उठती हैं, इसके बाद भी वो मेरा भजन नहीं करते। इसके बाद भी वो मूड उन देवी देवता का भजन करते हैं जिनके भजन से उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अबुद्धयः अबुद्धयः, जिनकी जिनमें बुद्धि ही नहीं है। देखिए 19वें श्लोक से अभी 24वां श्लोक हो गया है, भगवान ने निरंतर अन्य देवी देवताओं का भजन करने वाले लोगों के लिए अबुद्धया कहा है। इसके बाद भी हमारे देश में हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा वर्ग देवी देवता का पूजन और देवी देवता का कर्मकांड अनुष्ठान करता ही करता है। उनने गीता की बात पर बिल्कुल गौर नहीं किया है, भगवान कृष्ण के वचनों को अस्वीकार कर दिया है, अब उनका भगवान मालिक है। अबुद्धया यानी बुद्धिहीन, जिनकी बुद्धि नहीं है, जिनमें बुद्धि खत्म हो गई है। तो संसारी लोग हैं वो केवल बुद्धिहीन इसलिए कहे गए हैं
कि केवल इंद्रियों के अनुभवों को ही वो सर्वोपरि मानते हैं, वो केवल इंद्रियों से ही परिचित हैं, वो इंद्रियातीत से परिचित बिल्कुल नहीं है। जबकि परमात्मा किसी भी इंद्रिय के जानने में नहीं आता है, वो इंद्रियातीत है, परमात्मा अव्यक्त है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो क्या कारण है कि ये जो बुद्धिहीन पुरुष हैं, ये पुरुष चूंकि इंद्रियों के दास हैं, इंद्रियों के गुलाम हैं, इंद्रियों तक ही इनकी समझ है, इंद्रियों तक ही इनका जीवन है, इंद्रियों तक ही ये यात्रा कर सकते हैं, इंद्रियों के आसपास इनकी चेतना घूमती मंडराती रहती है, इंद्रियों के ही पोषण के लिए, इंद्रियों के ही भरण के लिए, इंद्रियों के ही संतुष्टि के लिए ये अपना पूरा का पूरा जीवन निकाल देते हैं। इसलिए ये जो पुरुष हैं, इनकी बुद्धि उन इंद्रियों के भावों ने, उन इंद्रियों के रसों ने और इनका ज्ञान हरण कर लिया है, बुद्धि भी हरण कर ली है, इसलिए इनको बुद्धिहीन कहा है भगवान ने। देखिए हनुमान चालीसा में भी आता है कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरउ कलेश विकार। कम से कम कोई आदमी इतना ही स्वीकार कर ले कि वो बुद्धिहीन है तो कम से कम सदगुरु की बात को सुनेगा तो सही। यहां तो उल्टा मामला है, आदमी अपने आप को सदगुरु से ज्यादा बुद्धिमान समझता है और सदगुरु की बात को मीन मेख निकालता है, क्योंकि वो बुद्धिहीन होकर भी अपने को बुद्धिहीन नहीं मानता। कोई बीमार होकर भी अपने को बीमार नहीं मानता तो डॉक्टर उसका कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर वो व्यक्ति जो बीमार है वो कह दे कहा मैं बीमार हूँ, डॉक्टर साहब को मिलना है, तभी तो वो जाएगा डॉक्टर के पास। अगर वो कहे मैं तो बीमार हुई नहीं, ये तो मेरा शरीर यूं ही गर्म हो गया है, अभी ठंडे पानी से नहा लूंगा ठीक हो जाऊंगा, अभी मेरे को क्या है ये खांसी आ रही है, थोड़ी सी सर्दी जुकाम की खांसी है, धीरे धीरे वो खांसी टीबी में बदल जाती है, वो बुखार जो है आगे टाइफाइड में बदल जाता है। तो मेरे दोस्तों ये तुम्हारा जो रोग है अज्ञान का, इस रोग की वजह से, इसका वजह क्या है कि तुम हो बुद्धिहीन और अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हो। वहां पर बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, एक आदमी हनुमान जी का बड़ा भगत था और वो ये रोज हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ता था, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरउ कलेश विकार। तब उन्होंने कहा, एक आदमी हमारे जैसा कोई मजाकिया पहुंच गया, उसने कहा ए बुद्धिहीन इधर आ, तो वो तो गुस्सा हो गया, आग बबूला हो गया, मेरे को बुद्धिहीन क्यों कहा तुमने। तो बोले अच्छा बुद्धू कहते हैं, अरे बुद्धू भी क्यों कहा तुमने मुझे। बोले यार मैंने तो कुछ नहीं कहा, अभी 5 मिनट पहले तू ही कह रहा था बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार है? तो कहने का तात्पर्य है कि जो बुद्धिहीन लोग होते हैं वो अंदर से बुद्धिहीन नहीं मानते, ऊपर ऊपर से बोलते हैं कि बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, लेकिन नहीं मानते वो बुद्धिहीन। हम प्रवचन देते हैं, लोगों को समझाते हैं, अब प्रवचन सुनने के बाद लोग कोई बुद्धिमान महाराज तुमने ये तो कहा, पर ये तो कहा ही नहीं इसमें, लोग चला दी उन्होंने अपनी बुद्धि, पर महाराज तुमने ये कहा था, पर बात तो ऐसी नहीं है वैसी है, लोग चला दी उन्होंने बुद्धि, बुद्धि बुद्धि तो है नहीं, है ना। तो इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, सदगुरु को समझने के लिए, ज्ञानी को पहचानने के लिए संसारी में कोई बुद्धि होती नहीं, इसलिए उसको भगवान यहाँ पर बुद्धिहीन कह रहे हैं, क्योंकि उसकी जो बुद्धि है वो गंदे मलमूत्र के स्थानों पर ही तक जाती है, इसलिए वह मलमूत्र का ही थैला है और मलमूत्र से ही उसका दिमाग मैला है, इंद्रियों के अनुभवों से ही वह परिचित है, उसको पता ही नहीं है नाक है थूक है छींक है कान है आंख है गीजड़ है ना, और मूत्र है मल है, यहाँ उसका पसीना है, यहाँ उसका ध्यान रहता है हमेशा, यहाँ उसका ध्यान रहता है हमेशा, इसलिए उसका जो अंतर प्रवाह है बाहर की तरफ बहता है। तो परमात्मा में व्यक्ति कैसे भाव करेगा, परमात्मा से व्यक्ति कैसे प्रेम करेगा,
क्योंकि वो अपने जैसा खुद हाड़ मांस का मलमूत्र का थैला है, वैसा ही वो सदगुरु और अवतारी भगवान को समझता है। भगवान बांसुरी बजाते थे, गोपियों के साथ नाचते थे, माखन चोरी करते थे, वो सब देखता था मनुष्य, अरे ये तो ऐसा ही है। लेकिन भगवान का ज्ञान पक्ष नहीं देखा उसने, भगवान की शक्तिशाली पना नहीं देखा उसने, उसने ये नहीं देखा कि दोनों पैर से छकड़े को फेंक दिया, उसने नहीं देखा कि बकासुर की चोंच पकड़ के खींच के तोड़ दी, उसने नहीं देखा कि अजगर को मार दिया, उसने नहीं देखा बच्छासुर को पैर पकड़ के पछीड़ दिया, उसने नहीं देखा कि कर्ण कर्ण कंस और चाणूर का मर्दन कर दिया, वो किसी ने नहीं देखा। और शिशुपाल जैसे जो अंधे थे वो भगवान को गाली देने लग गए। बिल्कुल ऐसे ही इस जगत में होता है प्यारे बच्चों। परमहंस संत आते हैं, उनका ज्ञान नहीं देखते हैं, है ना। जात ना पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान पड़े रहो, मोल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान, है ना। इसलिए सतगुरु का शरीर देखते हैं, उसकी नाक देखते हैं, उसकी आंख देखते हैं, उसकी दाढ़ी देखते हैं, उसकी ठोड़ी देखते हैं, उसकी ऊंचाई देखते हैं, उसका बोलना देखते हैं, उसकी चाल देखते हैं, उसकी ढाल देखते हैं, उसका सब ये चीजें देखते हैं, पर ये नहीं देखते हैं कि सतगुरु आपको कितना अमूल्य ज्ञान दे रहा है। उस ज्ञान को समझ लो। क्यों नहीं समझते कि उसको अपने जैसा ही वो मानते हैं, हाड़ मांस और मलमूत्र का थैला, और हाड़ मांस वाले परमात्मा को ढूंढते हैं। भगवान ऐसा तो है नहीं है, हाड़ मांस वाला तो है नहीं भगवान, परंतु वो हाड़ मांस वाला भगवान ढूंढते हैं तो पाखंडी भी क्या है, उनके बाप रखे हुए हैं, वो फटाफट उसी ढंग की मूर्तियां, उसी ढंग के मंदिर, उसी ढंग का सब बना लेते हैं जिसकी पब्लिक में डिमांड है, और बना लेते हैं तो उसमें जाकर ये फंस जाते हैं, देवी देवताओं के चक्कर में फंस जाते हैं। परंतु आज से, मैंने कल भी बोला था कि आज से 40 वर्ष पहले संतोषी माता का कोई मंदिर नहीं था, 40-50 साल पहले, और आज से आचार्य श्रीराम शर्मा के पहले कोई भी गायत्री को देवी की तरह नहीं मानता था। गायत्री एक मंत्र था, गायत्री छंद सामगः, ना वेद पुराणों में, ना उपनिषदों में, का ना शास्त्रों में, ना गीता में गायत्री को किसी देवी के रूप में नहीं माना, मंत्र के रूप में माना, ना दुर्गा सप्तशती में भी गायत्री को देवी नहीं माना, लेकिन गायत्री एक देवी बन गई। ऐसे ही ये उदाहरण है, संतोषी माता, गायत्री माता और शनि महाराज, इनके सबके उदाहरण आपके सामने हैं। तो क्या होता है कि व्यक्ति परमात्मा को अपने जैसा हाड़ मांस का इंसान समझता है, जैसे भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, स्पष्ट बोल रहे हैं, बिल्कुल मैं गीता की बात कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन बुद्धि चित्त इंद्रियों से परे सच्चिदानंद घन परमात्मा को भी मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, इसलिए वो मेरा भजन सब लोग नहीं कर पाते। इसलिए ऐसा होने के कारण मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। अगर आपने सतगुरु को देह समझ लिया तो आपके अंदर सतगुरु के देह तक ही आप देख पाओगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूलत देखी तिन तैसी, है ना। तो परमात्मा की सर्वोच्चता नहीं देख पाओगे आप, परमात्मा की उत्तमता नहीं देख पाओगे तुम, परमात्मा की चरम अवस्था नहीं देख पाओगे आप, क्योंकि अज्ञान के आवरण के कारण मनुष्य के देखने की क्षमता ढकी हुई है। इसलिए प्रत्यक्ष को जानने के अतिरिक्त तो वो परोक्ष को नहीं जानता, वो बाहर बाहर ही देख सकता है, अंतर यात्रा नहीं कर सकता। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण, भगवान श्री कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही सहायता मांगने गए, क्योंकि दुर्योधन पहले से पहुंच गया था, लेकिन घमंडी अहंकारी होने के कारण भगवान के चरणों में ना बैठकर भगवान के सिराहने पे जाके बैठ गया, सिर के पास बैठ गया,
भगवान सो रहे थे। लीला है भगवान की, सतगुरु की सोता है, ऐसा नहीं कि नहीं सोता, सोता है। और अर्जुन बाद में आए, 5-10 मिनट लेट आए, और अर्जुन चूंकि भगवान को बड़ा मानते थे, अपने से आदरणीय मानते थे, तो भगवान के चरणों के पास अर्जुन जाके बैठ गए। अहंकारी दुर्योधन तुम्हारे खोपड़ी में घुसा हुआ है, तुम्हारे सिर के पास बैठा है, लेकिन जिज्ञासु सदगुरु के चरणों के पास बैठता है, और जो जिज्ञासु नहीं होता वो सदगुरु की खोपड़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है। भगवान जब उठे तो बड़ा प्राकृतिक है, नेचुरल है कि आदमी जब उठता है तो वो पैरों की तरफ उठता है। ऐसा नहीं होता कि आदमी पैर अपने ऊंचे उठा के और खोपड़ी नीचे करके उड़ान आसन लगा के खड़ा होता हो जिम्नास्टिक की तरह, ऐसा नहीं होता। आदमी अपना सिर उठाता है और उसकी दृष्टि एकदम सामने पड़ती है, तो जैसे ही उसकी उनकी दृष्टि पड़ी अर्जुन पर, तो बोले भगवान, अरे अर्जुन तुम कब आए? तो दुर्योधन एकदम बोल पड़ा, अरे ये कब आए, मैं पहले आया हूं। तो अर्जुन ने कहा, हाँ मैं अभी आया हूं थोड़ी देर पहले, और ये पहले बैठे हुए थे। तो कैसे आए तुम दोनों? तो चूंकि भगवान ने अपनी छवि थोड़ी निष्पक्ष रखी थी, वो भगवान वैसे भी निष्पक्ष ही है, निष्पक्ष न्यायकर्ता भी है, तो अर्जुन से भगवान ने कहा कि अर्जुन कैसे आए? तो दुर्योधन ने कहा कि नहीं, पहले मेरी बात सुनो, मैं आया हूं। तो भगवान ने कहा, चल भाई तुम ही बताओ। बोले, महाभारत का युद्ध होने वाला है और हम आपसे मदद मांगने आए हैं। तो दुर्योधन को भगवान ने कहा, क्या मदद है, बोलो मांगो। बोले, देखो आप महाभारत के युद्ध में हमारी तरफ से लड़ो। भगवान ने कहा, देखो मैंने संकल्प किया है, मैं लड़ूंगा तो किसी की तरफ से नहीं। मेरे पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प तो यह है कि मेरी द्वारिका की सेना है, जो भी 11 अक्षौणी 12 अक्षौणी जितनी भी मेरी सेना है, कोई आप लोग या तो सेना ले लो, या निहत्ता मैं रहूंगा युद्ध में लेकिन लड़ूंगा नहीं। कोई भी काम ऐसा मुझसे करवा लो जो मुझे लड़ने का काम ना हो। दुर्योधन ने कहा कि अगर मैं इस कृष्ण को निहत्ता लेता हूं तो किसी काम का तो है नहीं, है लड़ेगा तो है नहीं, तो क्यों ना इनकी सेना ले ली जाए। तो दुर्योधन ने सेना का चुनाव किया। भगवान ने बोला, तथास्तु। अर्जुन ने कहा, मैं तो भगवान आपको ही लेना चाहता हूं, भले आप हथियार मत उठाना, निहत्ते रहना, आप मेरे साथ रहना, मेरे सारथी बनना। भगवान ने स्वीकार कर लिया। जो अहंकारी व्यक्ति होता है, उसकी बुद्धि, इतनी बुद्धिहीन आदमी होता है, वो परमात्मा को अस्वीकार कर देता है और परमात्मा के अलावा दूसरी चीज ले लेता है। ये बात का प्रूफ आया इसी श्लोक में, ये इस श्लोक के द्वारा अपने को ये कथा का सत्य पता लगता है कि भगवान जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। भगवान जो कह रहे हैं कि अबुद्धया बुद्धिहीन पुरुष, मम यानी मेरे, अनुत्तम यानी सर्वोत्तम, अविनाशी परम स्वरूप को, सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं जानता। कहा जानता था दुर्योधन? भगवान इतने ज्यादा सब चमत्कार करने के बाद, कंस चाणूर को मारने के बाद, राक्षसों का वध करने के बाद, जरासंध की सेना को नष्ट करने के बाद भी, और भगवान ने द्वारका में समुद्र के अंदर अपना स्थान बनाने के बाद भी, जो भगवान की द्वारका केवल भगवान की वजह से ही द्वारका में बनी थी, वह समुद्र के अंदर, नहीं तो भगवान के जाने के बाद वो द्वारका डूब गई, समुद्र ने जैसे भी उसको द्वारका को जगह प्रदान की। तो भाई साहब, इतने सारे चमत्कार घटित होने के बाद भी दुर्योधन की बुद्धिहीनता तो देखो। वो कृष्ण तत्व को, कृष्ण भगवान को, सच्चिदानंद परमात्मा है ऐसा स्वीकार नहीं कर पाया। और भी कई उदाहरण हैं ऐसे जिन्होंने भगवान को, सच्चिदानंद परमात्मा ऐसा स्वीकार नहीं कर पाया। ऐसे ही तुम लोगों के बीच में भगवान कितने करुणा वर्णालय हैं कि हर समय एक ना एक किसी महान सदगुरु को तुम्हारे बीच में भेजते रहते हैं,
कबीर आए, नानक आए, दादू आए, पलटू आए, बुद्ध आए, रविदास आए, कुंभा आए, नामदेव आए, कितने कितने महान सदगुरु आए तुम्हारे सामने। अभी 700 साल पहले एक महान सदगुरु आए, संत ज्ञानेश्वर जिनका नाम था। इतने महान तुम लोगों की मूर्ता वहीं की वहीं है। तुम जन्म मरण से मुक्त हो सकते थे लेकिन नहीं हो पाए। उसका कारण यह है कि तुम बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। तुम देह भाव को जानते हो, तुम भगवान को भी अपने जैसा हाड़ मांस मलमूत्र का थैला समझते हो, तुम सद्गुरु को भी अपने जैसा कामी भोगी समझते हो, जैसे तुम स्त्रियों के पीछे कुत्ते के समान चू 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 करके घुमा करते हो, ऐसे तुम भी सोचते होगे तुम्हारे सद्गुरु भी ऐसे ही होंगे। जैसे तुम पैसे के लिए, वस्तु के लिए, सामान के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए मरे जाते हो, ऐसे तुम सोचते होगे कि सद्गुरु भी आश्रम के लिए, पैसे के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए मरता होगा। ऐसा नहीं है। सद्गुरु कभी भी इस प्रकार से किसी लोभ लालच इत्यादि धन पैसे इसके लिए कभी किसी वासना के लिए कभी भी नहीं मरता। क्यों नहीं मरता? कि वह सच्चिदानंद परमात्मा है। अगर सद्गुरु तुम्हें आदेश देते हैं कि भाई अपने को एक ध्यान केंद्र, ध्यान स्थान खोलना है, तो सिर्फ तुम्हारे जैसे जिज्ञासुओं के कल्याण के लिए जहाँ सद्गुरु बैठ के तुमको परम ज्ञान की दीक्षा दे सकें, शिक्षा दे सकें, ध्यान करा सकें, परमात्मा में रूपांतरित करा सके तुमको। कुछ ना कुछ दिन के बाद तुम्हारे सद्गुरु का भी शरीर नहीं रहेगा, और जहाँ वो रहते हैं वो भवन भी नहीं रहेंगे, और जो वो आश्रम बनाते हैं वो आश्रम भी नहीं रहेंगे। ऐसे कई आश्रम जो लोगों के खंडर होके मिट्टी में मिल गए, जब सद्गुरु चले गए उनको कुछ संभालने वाला कोई नहीं बचा, और जहां जिनको संभाला है लोगों ने वहां वो दुकान बन गए, वो वहां दुकानें बन गई, दुकानें खुल गई। सद्गुरु के जाने के बाद वहां पर टैक्स लग गए, किराए लग गए, होटलें खुल गई। तो भगवान श्री कृष्ण का यह कहना कि क्यों लोग मेरे पास नहीं आते, क्यों लोग अंतर यात्रा नहीं करते, क्यों लोग जो है ये निर्णय नहीं कर पाते कि हम इन इंद्रियों से अतीत हमारे अंदर मौजूद सच्चिदानंद परमात्मा को, जो मन बुद्धि चित्त से परे है, जो हमेशा हमारे साथ जन्म से मृत्यु तक हमारे हमारी चेतना में रहता है, हमें चैतन्य बनाता है, हमें सब कुछ जानने में जिसका ही होना है, इसको नहीं जान पाते। क्योंकि जो बेरोचन राक्षस का सिद्धांत है कि स्थूल शरीर ही परमात्मा है, उसका पोषण आज तक चल ही रहा है। इसी बेरोचन राक्षस का जो सिद्धांत है और चार्वाक का सिद्धांत है, जो कल हमने बताया था, यावत जीवनम चैव वर्णम कृत्वा कृतम पवेत पुनर्जन्म कुतः, इस प्रकार के सिद्धांत के भंवर में फंसकर भक्त भ्रमित हो चुके हैं, और भक्तों के भ्रमित हो जाने की वजह से भगवान सद्गुरु के पास न जाकर वो ऐसी जगह पर जाते हैं जहां विरोचन राक्षस के द्वारा फैलाया गया जो इंद्रजाल है, जो कपट जाल है, जो ढोंग जाल है, जो मिथ्या जाल है, उस मिथ्या जाल में वो लोग फंस जाते हैं। और मन बुद्धि चित्त इंद्रियों से परे इस सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति समझकर और उसको व्यक्ति भाव का को प्राप्त हुआ मानकर उसके कंधे से कंधा रगड़ कर आगे निकल जाते हैं, लेकिन हाय उस परमात्मा को नहीं जान पाते। एक बार शंकर पार्वती केदारनाथ के रास्ते में बैठे हुए, शंकर भगवान एक सन्यासी के रूप में थे और पार्वती एक भिक्षुणी के रूप में थी, सफेद वस्त्र पहने थी, शंकर भगवान भगवा वस्त्र पहने थे, दाढ़ी मूछ वगैरह सब व्यवस्थित, गले में रुद्राक्ष की माला वगैरह थी, नंदी नहीं था। अनेक लोग केदारनाथ की सीढ़ियों को चढ़ते हुए दर्शन करते हुए करने के लिए जा रहे थे, किसी ने भी शंकर भगवान की तरफ देखा नहीं। कोई कोई ने आठ आने चार आने के सिक्के शंकर भगवान के
हाथ में जो कमंडल था उधर उछाले, उनको भिखारी समझा। तब उन्होंने कहा पार्वती से कि देखो पार्वती, मैं तुम्हें सुबह से शाम तक इस केदारनाथ की यात्रा में मैंने तुम्हें बताया कि लोग कितने अंधे हो चुके हैं, कितने बुद्धिहीन हो चुके हैं, कि साक्षात परमात्मा श्रीहरि इसलिए कह रहा हूं कि ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव। जो विष्णु है वही शिव है, जो शिव है वही ब्रह्मा है, ये तीनों देव ही सच्चिदानंद परमात्मा के तीन रूप है। इसलिए भगवान त्रिलोकीनाथ शंकर भगवान ने पार्वती को बोला देखो यही माया है, तुम पूछती थी ना माया क्या है, ये मूढ़ बुद्धि बुद्धिहीन जो लोग हैं उस परम अविनाशी अनुत्तम है ना भगवान को नहीं जानते हैं, वो उनको जो है वही विरोचन द्वारा फैलाया हुआ जो भ्रम जाल है वही पसंद है। केदारनाथ में जा रहे हैं, मैं साक्षात यहाँ खड़ा हूँ लेकिन मेरे चरणों को स्पर्श नहीं कर सकते, मुझे नमन नहीं कर सकते, नमस्कार नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, भगवान तुम्हारे सामने युगों युगों से हर शताब्दी में, ऐसी कोई शताब्दी नहीं, ऐसा 100 वर्ष नहीं जहाँ भगवान सतगुरु के रूप में ना आए हों, लेकिन तुम लोगों की बुद्धिहीनता की बरियारी है, तुम भगवान को नहीं पहचान सकते हो क्योंकि तुम इंद्रियों में अंधे हो। और जिनका इंद्रियों का अंधापन दूर हो गया है वो मेरे पास जरूर आते हैं और जरूर आएंगे, और जो मेरे पास आएगा वो अवश्य सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में जागेगा, और जो मेरे पास आएगा वो 100% उसका पुनर्जन्म कभी नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए पक्का विश्वास रखो। ये गीता का प्रवचन इसीलिए दे रहा हूँ ताकि परमात्मा के प्यासे और प्यारे लोग ये गीता का प्रवचन सुनकर मेरे पास आ सके। ये मेरा एडवर्टाइजमेंट है, ये मेरी उद्घोषणा है, ये मेरा बैनर है, ये मेरी पुकार है, ये मेरी आवाज है, ये मेरी सदा है, ये मेरा आह्वान है, ये मेरा निमंत्रण है उन जिज्ञासुओं के लिए। जो जिज्ञासु परमात्मा से सच्चा प्रेम करते हैं वो मेरे शरीर के गिरने के पहले आ जाएं।